Hello student, yesterday we discussed about what is the maximum loss method and how to calculate this type of problem. Now today I will explain you how to solve maximum loss method problem and calculation of maximum loss. But these type of questions are not compulsory for exam. Okay, मतलब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर को भी आपको बताया था कि जो मैक्सिमम लॉस मेथड है वो स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन के लिए दी है. मतलब अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि what is the maximum loss method and how to calculate it and actual कैसे work होता है maximum loss method. इसलिए क्या किया है syllabus में आपको maximum loss method include की है. लेकिन अगर exam view से देखा जाए तो आपको सिर्फ surplus capital method का जो problem है वही आपको अच्छे से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ सरप्लस कैपिटल मेथड पे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. ऐसे स्पेसिफिक बताया है यूनिवर्सिटी ने, जो सिलेबस कमेटी होती है उसने सिलेबस जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें मेंशन किया है कि मैक्सिमम लॉस मेथड के जो प्रॉब्लम है वो बच्चों को एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए. मतलब उनको पता होना चाहिए क्या होता है, इसलिए वो इंक्लूड किया है. ओके, उसके बाद अब हम देखेंगे. फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम एग्जांपल करके बता रही हूँ, क्योंकि मतलब आपको पता होना चाहिए कि सरप्लस कैपिटल मेथड एंड मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या मेजर डिफरेंस है और दोनों के सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइप्स में क्या क्या चेंजेस है. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रॉब्लम ए बी सी पार्टनर्स थे और उनका डिसोल्यूशन हो गया था. उसमें से हमने क्या किया था, बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट नोट डाउन किए थे. उसके बाद जैसे सरप्लस में करते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेड, वैसे ही किया था. उसके बाद पार्टनर्स का लोन है वो पेड किया था, और उसके बाद जो बैलेंस अवेलेबल होता है वो क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे सरप्लस में होता है वैसे ही फर्स्ट हम गवर्नमेंट ड्यूज पेड करते हैं, देन थर्ड पार्टी लायबिलिटीज पेड करते हैं, देन पार्टनर्स वाइफ्स लोन अगर है तो वो पेड करते हैं, उसके बाद पार्टनर्स का जो लोन होता है वो पेड करते हैं, और उसके बाद अगर कुछ बैलेंस अवेलेबल है हमारे पास दैट टाइम हम क्या करते हैं, वो बैलेंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, अब हमने लास्ट लेक्चर को देखा था क्लोजिंग ईयर था, मतलब को हम बैलेंस शीट क्लोजिंग की डेट थी 31 दिसंबर 2012, दैट्स वाई उनका ओपनिंग ईयर है 1 जनवरी 2013. ओके, उसके बाद कॉलम प्रिपेयर करने हैं डेट पर्टिकुलर रुपीज़, मतलब जो हमारा रुपीज़ का नॉर्मल कॉलम होता है वो, उसके बाद कैश, देन क्रेडिटर एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. ओके, तो फर्स्ट जान को हम क्या करेंगे, बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट नोट डाउन कर देंगे. कैश कितने हमारे पास 2000 है. ओके, जो कैश से पहले जो हमने कॉलम बनाया है वो हमारे बैलेंस, मतलब अगर कुछ रिजर्व फंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस लेस करना है या प्रॉफिट एंड लॉस ऐड करना है, इसके लिए वो कॉलम बनाया है. तो हमारे पास कैश कितनी है 2000
एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे। देन क्रेडिटर्स 10,000, बीज लोन 5,000, एज कैपिटल 13,000, बीज कैपिटल 10,000, सीज कैपिटल 3,000। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, हमको रिजर्व फंड ऐड करना है। रिजर्व फंड क्या करना है, रिजर्व फंड ऐड करना है। तो रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 40:40:20। इसका मतलब हम 4:4:2 नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, 2:1:2, 2:2:4, 2:2:4, मतलब 2:2:1 हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे। उसके बाद वो 5,000 हम क्या करेंगे, 2,000, 2,000 and 1,000 करके उसमें ऐड कर देंगे। कैपिटल जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसमें हम क्या करेंगे, रिजर्व फंड ऐड कर देंगे। उसके बाद सब बैलेंस क्या करेंगे, नीचे लेंगे एज इट इज़। कैश 2,000, क्रेडिटर्स 10,000, बीज लोन 5,000, एज कैपिटल 15,000, बीज कैपिटल 12,000 एंड सीज कैपिटल 4,000। ओके, उसके बाद अब क्या करना है हमें, लेस पेड टू क्रेडिटर्स बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी एक ही है हमारे पास, बीज लोन मतलब पार्टनर्स का लोन है वो, इसलिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स पेड कर देंगे। तो हमारे पास कैश कितने अवेलेबल है, 2,000, और हमें क्रेडिटर्स कितने पेड करने हैं, 10,000। तो पहले हम क्या करेंगे, 2,000 पूरी की पूरी अमाउंट दे देंगे, मतलब लेस पेड टू क्रेडिटर्स, कैश में लिखेंगे 2,000, क्रेडिटर्स में लिखेंगे 2,000, और बाकी बैलेंसेस एज इट इज़ लिख देंगे। मतलब कैश में आएगी डैश, क्रेडिटर्स में आ जाएगा 8,000 एंड बीज लोन 5,000, एज कैपिटल 15,000, बीज कैपिटल 12,000 एंड सीज कैपिटल 4,000। उसके बाद हम लेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन कब है, 17 जनवरी। अब हम क्या करेंगे, जो एसेट रियलाइज बताइए हमें प्रॉब्लम है, आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहा है, तो देखो एसेट रियलाइज अमाउंट दी है और उसके बाद एक एक्सपेंसेस का भी कॉलम वहाँ पे मेंशन किया है। मतलब हमें क्या करना है, जो एसेट रियलाइज की अमाउंट है उसमें से एक्सपेंसेस लेस करने हैं, और जो अमाउंट रिमेनिंग रहती, मतलब रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम क्या करेंगे, एसेट रियलाइज करके मेंशन कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट रियलाइजेशन ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 10,500 - 500, तो अमाउंट आ गई हमारी कैश में 10,000। मतलब फर्स्ट रियलाइजेशन कितना है, 10,000 है। अब हम क्या करेंगे, लेस पेड टू क्रेडिटर्स 8,000, लेस पेड टू क्रेडिटर्स 8,000। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 में से 8,000 चलेंगे, तो अमाउंट कितनी बची है, 2,000। 8,000 - 8,000 मतलब क्रेडिटर्स नील हो गए। उसके बाद बीज लोन 5,000, एज कैपिटल 15,000, बीज कैपिटल 12,000, सीज कैपिटल 4,000। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बीज लोन पेड कर देंगे। टोटल लोन है 5,000, तो हमने क्या किया, 5,000 में से 2,000 लेस कर दिए, क्योंकि हमारे पास 2,000 जो है वो दे देंगे बीज लोन को। अब हम क्या करेंगे, लेस पेड टू बीज लोन, तो हमने 5,000 जो बीज लोन था उसमें से 2,000 माइनस कर दिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बैलेंस हमारे पास है 3,000।
यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको 3000। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड रियलाइजेशन लेंगे। सेकंड रियलाइजेशन में क्या है, एसेट रियलाइज 15750, मतलब 15750 माइनस 750 करेंगे तो हमारे पास रियलाइजेशन आ जाएगा 15000। अब हम क्या कर सकते हैं, 15000 में से 3000 दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 20 लोन पूरा का पूरा पेड कर देंगे। मतलब लोन क्या हो गया, नील हो गया। ओके, अब हमारे पास बैलेंस कितना है देखो, 12000। उसके बाद क्रेडिटर्स नील, 20 लोन नील, एज कैपिटल 15000, बीज कैपिटल 12000, सीज कैपिटल 4000। अब इसके आगे की जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस एक्चुअल स्टार्ट जो होती है मेथड वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब तक हमने क्या किया, जैसे हम सरप्लस में करते थे सेम उसी टाइप से हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक्चुअल मैक्सिमम लॉस मेथड स्टार्ट होती है वहाँ से। ओके, अब हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल लेना है। टोटल कैपिटल मतलब क्या है, ए बी एंड सी के जो कैपिटल है उसकी टोटल करनी है। ओके, मतलब 15000 प्लस 12000 प्लस 4000, तो टोटल कितनी आ गई, 31000। टोटल कितनी हो गई, 31000, मतलब जो टोटल कैपिटल है वो क्या आ गया, 31000। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लॉस का रूल ही क्या है, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस अवेलेबल बैलेंस। टोटल कैपिटल माइनस अवेलेबल बैलेंस। अब जो ये अवेलेबल बैलेंस जो है वो क्या है, हमने जो सेकेंड रियलाइजेशन किया था, सेकेंड रियलाइजेशन ही ऐसा नहीं, जिस रियलाइजेशन पे हमारे सारे लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है, मतलब सब लाइबिलिटीज़ पेड करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास रहती है वो है हमारा अवेलेबल बैलेंस। यहाँ हमारा अवेलेबल बैलेंस कितना है, 12000, क्योंकि जब हमने सेकेंड रियलाइजेशन 15000 का लिया था तब हमें सिर्फ 3000 ही क्या करनी थी, लाइबिलिटी पेड करनी थी। वो पेड करने के बाद अब हमारे पास बैलेंस कितना है, 12000, मतलब अवेलेबल बैलेंस इज इक्वल टू 12000। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बैलेंस माइनस अवेलेबल बैलेंस करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 31000 माइनस 12000 कर देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, 19000 आंसर आ गया। उसे क्या बोलना है, मैक्सिमम लॉस बोलना है। क्या बोलना है, मैक्सिमम लॉस, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम लॉस मेथड ही सीख रहे हैं, इसलिए गलती से भी कभी ऐसे मेंशन नहीं करना कि मैक्सिमम प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट, क्योंकि ये जो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट है वो जैसे कि लॉस होता है उसी टाइप का है, क्योंकि जब हम बिजनेस डिसॉल्व करते हैं उसके बाद हम लायबिलिटीज पेड करते हैं, और उसके बाद अगर हमारे पास कुछ कैश अवेलेबल है तो वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी हमारा बिजनेस लॉस में ही था और जो भी बैलेंस आता है वो क्या होता है, लॉस ही होता है। अब हम क्या करेंगे, वो जो 19000 मैक्सिमम लॉस आया है उसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 7600, 7600 एंड 3800। मैं अंडरलाइन करके बताती हूँ, ये चीज़ देखो,
जो 30,000 31,000 माइनस 12,000 किए हमने, जो बैलेंस आया 19,000 वो हमने क्या किया, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ गया? अब इसके आगे हमें क्या करना है मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। 31,000 क्या है हमारा टोटल कैपिटल, मतलब 15,000 एज कैपिटल, 12,000 बीज कैपिटल, ये देखो ये जो है, और 4,000 सीज कैपिटल इज इक्वल टू 31,000 इज इक्वल टू 31,000। ओके, और उसमें से हमने क्या किया, जो हमारा बैलेंस ड्यू था 12,000 वो लेस कर दिया। समझ में आ गया? और वो 19,000 हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो 15,000 माइनस 7,600 है उसका आंसर क्या आ गया, 7,400। उसके बाद 12,000 माइनस 7,600 आंसर आ गया 4,400, और 4,000 माइनस 3,800 मतलब 200 आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया, जो मैक्सिमम लॉस आ गया उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट्स जो 12,000 था वो क्या करना है, हमें फिर से वो जो पार्टनर से उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने, मतलब फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कैपिटल्स की टोटल कर देंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी बैलेंस ड्यू था मतलब जो अवेलेबल बैलेंस था वो लेस कर देंगे, और जो भी अमाउंट आएगी वो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल बैलेंस था 12,000 वो भी क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, मतलब हमारा जो आंसर है कितना आया था, 15,000 माइनस 7,400 हमारा आंसर आ गया था। उसी हिसाब से अगर हम 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:2:1 में तो सेम अमाउंट आ जाएगी। ओके, प्लस माइनस, माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, अब 7,600 माइनस ज़ीरो ही हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, तो जो एज कैपिटल है वो 7,600 आ गया, बी का है 7,500 आ गया, सॉरी 7,600 आ गया, और 3,800 सीज का आ गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? हमें क्या करना है, जो हमने 19,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो क्या किया, हमने जो एक्चुअल बैलेंस था उसमें से माइनस कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास अवेलेबल कैश थी वो भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो सेम ही अमाउंट आती है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये रूल है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस किया तो क्या होता है, वो अमाउंट
जीरो आते। इसी प्रकार यहाँ पे हो गया, उन्होंने सेम अमाउंट हमने लिखी है वो क्या कर दी, दिखाई दे दी, तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए फिर से बैलेंस ड्यू कितने आ गए, 7600 आ गए। ओके, अब हमारे पास बैलेंस ड्यू कितना है, 7600, 7600 एंड 3800। लास्ट रियलाइजेशन जो है 6 मार्च का, वो कितना है, 9000, मतलब 9300 माइनस 300, मतलब हमारा आंसर आ गया 9000। ये हमारा क्या है, अवेलेबल कैश है, 9000 क्या है हमारा, अवेलेबल कैश है। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू टोटल कैपिटल्स माइनस लेस अवेलेबल कैश, और लेस अवेलेबल सरप्लस आप कुछ भी बोल सकते हो, कैश भी बोल सकते हो और सरप्लस भी बोल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, 7600 प्लस 7600 प्लस 3800, ये क्या हो गया हमारे टोटल कैपिटल्स, लेस अवेलेबल सरप्लस कितना आ गया, 9000। तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है, 10000 आंसर हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 10000 फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई, 4000 एंड 2000। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कैश डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम फिर से, मतलब आंसर तो लिखेंगे, 7600 माइनस 4000, आंसर आ गया 3600, 3600 एंड 1000। एक सेकेंड ना स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, 4000 एंड 2000 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7600 माइनस 4000, आंसर आता है 3600, 3600 एंड 1800। अब हम क्या करेंगे, जो 9000 हमारे पास कैश अवेलेबल था वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए 4000 एंड 2000 क्या आ गया, रियलाइजेशन लॉस आ गया। क्या आ गया, रियलाइजेशन लॉस आ गया, कितना, 4000 4000 2000। मतलब हमने क्या किया, ये 9000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 10000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मतलब सिंपल टेक्निक है, आपको जब मैक्सिमम लॉस का प्रॉब्लम सॉल्व करना है एज पर द रूल आप क्या करोगे, जो भी रूल से थर्ड, पहले गवर्नमेंट ड्यू पेड करना, उसके बाद थर्ड पार्टी ड्यू पेड करना, उसके बाद वाइफ्स लोन है पार्टनर के वो पेड करना, उसके बाद पार्टनर्स का लोन पेड करना, और उसके बाद अगर कुछ बचा है तो कैपिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। वैसे ही यहाँ पे क्या करना है हमें, सेम वही सरप्लस का ही टेक्निक यूज़ करना है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे हमारे पूरी की पूरी लायबिलिटी पेड हो जाती है। उसके बाद हम सरप्लस में क्या करते हैं, सरप्लस कैपिटल जिसका है, एब्सोल्यूट कैपिटल जिसका है, उसे पहले अमाउंट दे देते हैं, उसके बाद बाकी लोगों को दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें, सब लायबिलिटीज़ पेड हो जाने के बाद अगर कुछ अमाउंट हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, पहले जो टोटल कैपिटल है उसमें से हम वो अवेलेबल बैलेंस जो है माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट मिलेगी उसके बाद वो हम क्या करेंगे,
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मैक्सिमम लॉस आता है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, और उसके बाद जो हमारे पास कैश अवेलेबल होती है वो लेस कर देंगे। जनरली क्या होता है, जो अवेलेबल कैश है वो जो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अमाउंट, और हमने जो मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस और एक्चुअल कैपिटल में से वो माइनस करते हैं उसका आंसर, और हम जब अवेलेबल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका आंसर सेम आता है, क्योंकि वो जो हमारा आंसर है वो ज़ीरो आना चाहिए इसलिए। ओके, आप लोग क्या करो एक बार, हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, क्योंकि मैं यही एक ही प्रॉब्लम लेने वाली हूँ मैक्सिमम लॉस मेथड का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये हमें एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन और थ्योरी पार्ट के लिए आएगा। थ्योरी पार्ट में भी आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मैक्सिमम लॉस मेथड एंड ऑर्डर ऑफ पेमेंट्स, बस इतना ही। उसके बाद मैं और एक पीसमील का प्रॉब्लम लूँगी, मतलब पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का, और आई थिंक इतने प्रॉब्लम बस हो जाएंगे, या फिर एक दो और लेके हम स्टॉप कर देंगे ये चैप्टर, और दो प्रॉब्लम हो जाने के बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब इन नेक्स्ट लेक्चर को सरप्लस कैपिटल का ही प्रॉब्लम लेने वाली हूँ, ओके, क्योंकि मैक्सिमम लॉस का आता ही नहीं एग्ज़ाम को, तो क्यों उसके ऊपर ज़्यादा टाइम ले देना, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आपको बताया है। लेकिन ऐसे मत करो कि एग्ज़ाम के लिए नहीं है तो ये देखना ही नहीं, आप एक बार वो जो मैंने थ्योरी बताई थी वो वीडियो लिसन करो, ये प्रॉब्लम देखो, और उसके बाद सरप्लस की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर को सरप्लस का ही एक प्रॉब्लम लूँगी, उसमें न्यू एक दो न्यू पॉइंट्स आएंगे, मतलब फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, ऐसे दो एसेट बताए, तो हमें एक्चुअल में कौन सी एसेट लेनी है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद अभी एक्सपेंसेस का तो मैंने बता दिया, अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा कुछ बोला है एसेट रियलाइज और उसके बाद एक्सपेंसेस का कॉलम दिया है, तो आपको क्या करना है, एसेट रियलाइज माइनस एक्सपेंसेस करने हैं, और जो अमाउंट आएगी मतलब जो आंसर आएगा वो एक्चुअल एसेट रियलाइजेशन होगी। ओके, उसके बाद कभी कभी आपको क्या करते हैं, चार पांच कॉलम देते हैं, डेटर्स, मशीनरी, फर्नीचर और एक्सपेंसेस, तो आप लोगों को क्या करना है उसकी पूरी टोटल करनी है, मतलब मशीनरी, डेटर, स्टॉक, और उस टोटल में से आपको एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, और वो आपका क्या हो गया, एसेट रियलाइजेशन हो गया। समझ में आ गए अभी जो मैंने बताया, वो आई थिंक समझ में आ गया हो। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग क्या करोगे, घर में सरप्लस कैपिटल मेथड की प्रैक्टिस करोगे, सरप्लस कैपिटल मेथड कैसे कैलकुलेट करना है वो करोगे, और बाकी के कॉलम जो है वो प्रिपेयर करके रखोगे, क्योंकि सरप्लस कैपिटल में एक ही मतलब उनका प्रॉब्लम का रूल है कि आपको जो भी कॉलम्स बनाने हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट के, उस रूल के हिसाब से ही आपको बनाने हैं, मतलब फर्स्ट गवर्नमेंट ड्यूज, देन थर्ड पार्टी लायबिलिटी, देन पार्टनर वाइफ्स लोन, देन पार्टनर्स लोन, एंड देन पार्टनर्स के खुद के कॉलम ए बी सी। ओके, अगर आपका सीक्वेंस गलत हो गया तो आपका प्रॉब्लम भी उसका आंसर गलत हो सकता है, अगर आपने थर्ड पार्टी पहले ले ली और गवर्नमेंट ड्यू बाद में पेड कर दिए तो क्या होगा, पॉइंट में आंसर थोड़ा गलत हो जाएगा।
अगर एग्जामिनर ने ओके कर दिया तो उसके 2-4 मार्क मिलेंगे, लेकिन अगर एग्जामिनर ने बोला गलत है तो अगर आपका प्रॉब्लम सही है कैलकुलेशन वाइज तो रूल वाइज वो क्या होता है, रॉन्ग होता है। ओके, इसलिए एज पर द रूल आपको अकाउंटिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में सरप्लस कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम लूँगी। थैंक यू।